हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने पोरीफेरा के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, तो उसमें से कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे, जो उनको अभी हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो इस टॉपिक के साथ ही आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के सारे पॉसिबल एमसीक्यूज सॉल्व कर दिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ओके, तो पोरीफेरा के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं. स्पंजेस नीड कंटिन्यूस वाटर करंट और करंट ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू देयर बॉडीज़. फॉर स्पंजेस को हर वक्त पानी की एक धार, एक वाटर करंट चाहिए होती है, फ्लोइंग वाटर करंट अपनी बॉडी के अंदर. क्यों? क्योंकि उससे उन्हें क्या हेल्प मिलती है, रेस्पिरेशन में, या फिर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, या फिर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, या रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा. पोरीफेरेंस में सबसे सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या पाया जाता है? एस्कॉन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप या रेगॉन टाइप? तो आंसर है, स्पंजेस नीड कंटिन्यूस करंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडीज फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. ओके, वाइल द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज एस्कॉन टाइप. नेक्स्ट है, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इज. जो आपके स्पंजेस हैं उनमें इवोल्यूशनरी पैटर्न में अगर हम देखें तो कैनाल सिस्टम कैसे विकसित हुए हैं, ठीक है, किस पैटर्न में हुए हैं, पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा कैनाल सिस्टम आया होगा. साइकन, एस्कॉन, ल्यूकन, या फिर ल्यूकन, एस्कॉन, साइकन, या फिर एस्कॉन, साइकन, ल्यूकन, या साइकन, ल्यूकन और एस्कॉन. ठीक है, तो पैटर्न बताना है कि पहले साइकन आया या एस्कॉन या ल्यूकन, इस पैटर्न में हमने सीक्वेंस रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ लाइन ऑफ स्पंजेस. स्पंजेस की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? कैनाल सिस्टम, स्केलेटन, क्वेनोडर्म या मीजेनकाइम? तो आंसर है, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के बेसिस पे कैनाल सिस्टम जो स्पंजेस में विकसित हुई वो है, पहले एस्कॉन आई, फिर साइकॉन और फिर ल्यूकन आई. ओके, और स्पंजेस की लाइफ लाइन कैनाल सिस्टम को कहते हैं. नेक्स्ट, लार्वल कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस. स्पंजेस के लार्वा में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा है? एस्कॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन या साइकन? नेक्स्ट है, रेडियल कैनाल आर लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स, कॉलिनसाइट्स, पोरोसाइट्स या कोएनोसाइट्स. ओके, तो आंसर है, लार्वल कैनाल सिस्टम जो स्पंजेस में पाया जाता है, स्पंजेस के लार्वा में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो है रेगॉन टाइप, जबकि रेडियल कैनाल लाइन होती है. रेडियल कैनाल में परतें पाई जाती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलर सेल्स की, जिनको कोएनोसाइट्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है, पाथवे ऑफ एंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ वाटर इन स्पंजेस. देखो, पानी के अंदर जाना और बॉडी के, स्पंजेस की बॉडी के अंदर जाना पानी और फिर उनकी बॉडी से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, फीडिंग करंट, कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेटरल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट, इन ल्यूकोसोलिनिया डाइजेशन टेक्स प्लेस इन. ल्यूकोसोलिनिया में डाइजेशन कहाँ होता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्टमक, फूड वैक्यूल्स या ऑस्कुलम? तो आंसर है, पाथवे ऑफ एंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑफ वाटर इन स्पंजेस इज कैनाल सिस्टम एंड द डाइजेशन इन ल्यूकोसोलिनिया टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल. ओके, नेक्स्ट है, इन स्पंजेस प्रोजोपाइल इज. स्पंजेस में प्रोजोपाइल क्या होता है? जब हमने कैनाल सिस्टम पढ़े थे तो प्रोजोपाइल टर्म भी आया था, तो याद करेंगे वो क्या है. कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट एट ऑस्कुलम, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल, सेल विच फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील, या फिर सेल एट ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल क्या है? नेक्स्ट, ऑल आर हर्माफ्रोडाइट्स. आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी ग्रुप है जिसमें सारे हर्माफ्रोडाइट्स पाए जाते हैं. हर्माफ्रोडाइट्स मतलब जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल गुनैड्स पाए जाते हों. ओके, तो यहाँ पे हम देखें, एनलिडा, पोरीफेरा, फ्रेश वाटर स्पंजेस या मरीन स्पंजेस, कौन सा हर्माफ्रोडाइट है? नेक्स्ट आंसर है, इन स्पंजेस प्रोजोपाइल इज अ स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल. प्रोजोपाइल क्या है? एक ऐसी स्मॉल कैनाल होगी जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ेगी. ओके, और सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट्स आपके मरीन स्पंजेस होते हैं.
नेक्स्ट है चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ स्पंजेस. स्पंजेस में नाइट्रोजनस वेस्ट का मुख्य स्रोत क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो मुख्यतः नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज होता है स्पंजेस में, ये बताना है. नेक्स्ट, डाइजेशन इन ल्यूकोसोलिनिया एंड अदर स्पंजेस. ल्यूकोसोलिनिया और दूसरे स्पंजेस में डाइजेशन कहाँ होता है? ओनली इंट्रासेल्युलर, फर्स्ट इंट्रासेल्युलर देन एक्स्ट्रासेल्युलर, ओनली एक्स्ट्रासेल्युलर, या फिर फर्स्ट एक्स्ट्रासेल्युलर देन इंट्रासेल्युलर. तो आंसर है चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ स्पंजेस इज अमोनिया, वाइल द डाइजेशन इन ल्यूकोसोलिनिया एंड अदर स्पंजेस इज ओनली इंट्रासेल्युलर. नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंजेस. इनमें से कौन सा स्पंजेस के रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है स्पंजेस के रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूज, ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म्स बाय गोनोसाइट्स, गैमीट प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल्स, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्पंजेस में, इन चारों में से बताना है. नेक्स्ट, बडिंग एज अ नॉर्मल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन. देखो किस में नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग होता है. ठीक है, तो स्पंज, स्टारफिश, टेपवॉर्म या फिर हाइड्रा ग्रुप में है. ठीक है, स्टारफिश एंड हाइड्रा, हाइड्रा एंड स्पंज, आपको बताना है इनमें से किस में नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग है. तो आंसर है जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है आपका स्पंजेस के रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में गैमेट प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जबकि जेम्यूल्स के वे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं स्पंजेस, और स्पर्म्स को ट्रैप करते हैं गोनोसाइट्स, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी इनमें दिखाई देती है. और बडिंग नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है हाइड्रा में और स्पंज. नेक्स्ट है मेन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ल्यूकोसोलिनिया इज. मुख्यतः जो एक प्रक्रिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ल्यूकोसोलिनिया में वो क्या है? बडिंग, ब्रांचिंग एंड रीजेनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, या फिर नन ऑफ अबव. दूसरा है फ्रेश वाटर स्पंजेस फ्रॉम इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स कॉल्ड. देखो फ्रेश वाटर स्पंजेस में इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो क्या है? प्लेन्यूला, बर्ड्स, ब्रांचेस या जेम्यूल. तो आंसर है जो मेन प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ल्यूकोसोलिनिया में वो है बडिंग, और फ्रेश वाटर स्पंजेस में इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स को कहते हैं जेम्यूल्स. नेक्स्ट है एक्सोजिनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस इज नोन एज. जो एक्सोजिनस बडिंग होती है बाहर की तरफ जो बड निकलती है स्पंजेस में, उसको हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन, एम्फीमिक्सिस, जेम्यूलेशन या जेमेशन. ओके, नेक्स्ट जेम्यूल्स ऑफ स्पंजेस कंटेन. स्पंजेस के जेम्यूल्स में क्या होता है? पिनाकोसाइट्स, आर्क्योसाइट्स, कोएनोसाइट्स या थीजोसाइट्स. तो आंसर है एक्सोजिनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस इज नोन एज जेमेशन. ठीक है ना, एक्सोजिनस बडिंग जो भी होगी वो जेमेशन कहलाएगी. और जेम्यूल्स ऑफ स्पंजेस में, स्पंज के जो जेम्यूल्स होते हैं उनमें आर्क्योसाइट सेल्स होते हैं, और आर्क्योसाइट सेल्स ही स्पर्म्स और एग्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नेक्स्ट है पेरेन्काइम्युलर लार्वा इज ऑफ. पेरेन्काइम्युलर लार्वा किसका होता है? हाइड्रा का, क्लैथरीना का, एस्कैरिस का या मेटाफायर का. ओके, नेक्स्ट क्लीवेज इन ल्यूकोसोलिनिया इज. ल्यूकोसोलिनिया में जो क्लीवेज होता है, विघटन होता है, जब जाइगोट आपका मॉरुला में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो सेल डिवीजन चलता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं. तो किस तरीके का क्लीवेज पाया जाता है ल्यूकोसोलिनिया में? ओके, तो आंसर है पेरेन्काइम्युलर लार्वा क्लैथरीना में पाया जाता है, और क्लीवेज जो ल्यूकोसोलिनिया के एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे नजर आता है वो है इक्वल होलोब्लास्टिक. इक्वल होलोब्लास्टिक मतलब कि जो भ्रूण होगा, जो जाइगोट होगा, वो इक्वली दो बराबर हिस्सों में टूटता है और कंप्लीट सेल डिवीजन इसमें नजर आता है जाइगोट का. ओके, क्लीवेज के टाइम. नेक्स्ट है लार्वा ऑफ स्पंज इज. स्पंज के लार्वा को क्या कहते हैं? प्लैन्यूला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा या ब्लास्टुला लार्वा. ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट अ लार्वा ऑफ स्पंज. इनमें से कौन सा स्पंज का लार्वा नहीं है? पेरेन्काइम्युला, एम्फीब्लास्टुला, टर्नोरिया या स्टीरियोगैस्ट्रुला.
तो आंसर है लार्वा ऑफ स्पंज है इनमें से एम्फी ब्लास्टुला, ठीक है। और जो लार्वा स्पंजेस में नहीं पाया जाता है वो है आपका टॉर्नोरिया, ठीक है। पेरेन्काइमुला, एम्फी ब्लास्टुला और स्टीरियोगैस्ट्रुला लार्वा स्पंजेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ साइकन, इज साइकन के लार्वा को क्या कहते हैं। साइकन के लार्वा को कहते हैं पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, रेडिया या प्लैनुला, क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगोन टाइप लार्वा इज फाउंड इन, रेगोन टाइप लार्वा किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में, साइकन में, ल्यूकोसोलिनिया में या सभी स्पंजेस में। तो आंसर है लार्वा ऑफ साइकन को हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जबकि रेगोन टाइप लार्वा पाया जाता है स्पंजिला में जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट है पेरेन्काइमुला इज कंपेरेबल टू, पेरेन्काइमुला काइमुला को किससे कंपेयर करते हैं हम, सर्केरिया ऑफ फेशुला, पेरेन्काइमुला लार्वा जो साइकन का है उसको सर्केरिया ऑफ फेशुला से, या फिर ट्रोकोफोर ऑफ एनेलिड, या फिर रेबिडिटिटॉइड ऑफ एस्कैरिस, या फिर प्लैनुला ऑफ सीलेंट्रेट, किससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और मतलब किसके समानता है पेरेन्काइमुला लार्वा जो स्पंजेस में पाए जा रहे हैं। कॉमन नेम ऑफ स्काइफा, स्काइफा का कॉमन नेम क्या है, लीफ स्पंज, बाथ स्पंज, अर्न स्पंज या ग्लास रोप स्पंज। तो आंसर है पेरेन्काइमुला लार्वा कंपेरेबल होता है प्लैनुला ऑफ सीलेंट्रेट से, और कॉमन नेम है स्काइफा का अर्न स्पंज। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिकली स्पंजेस इवॉल्व फ्रॉम, फाइलोजेनेटिकली स्पंजेस किससे इवॉल्व होते हैं, फाइटोफ्लैजिलेट से, कोएनोफ्लैजिलेट्स, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम, ठीक। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर फ्लो इन बॉडी ऑफ साइकन इज, फ्रॉम इन टू आउट, बाहर से अंदर की तरफ जो करेक्ट सीक्वेंस है वाटर फ्लो का साइकन की बॉडी के अंदर वो क्या है, ठीक है। तो सीक्वेंस को देखना है आपने, ओस्टिया से पानी अंदर आएगा, एपोपाइल, ऑस्कुलम, प्रोजोपाइल से बाहर, या फिर ओस्टिया, एपोपाइल, प्रोजोपाइल, ऑस्कुलम, या फिर ओस्टिया से प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से एपोपाइल, एपोपाइल से ऑस्कुलम, या फिर एपोपाइल से ओस्टिया, ओस्टिया से प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से ऑस्कुलम, किस सीक्वेंस में पानी बाहर से अंदर जाएगा साइकन की बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो बाहर से पानी आया और बाहर वापस कैसे निकलेगा, कैनाल सिस्टम किस सीक्वेंस में चलेंगे साइकन में, ये बताना है। तो आंसर है फाइलोजेनेटिकली स्पंजेस इवॉल्व फ्रॉम कोएनोफ्लैजिलेट्स, जबकि जो करेक्ट सीक्वेंस है वाटर फ्लो का इन बॉडी ऑफ साइकन वो है ओस्टिया में, सबसे पहले वाटर करंट ओस्टिया में आएगा, ठीक है, जो पोर्स हैं बॉडी में, फिर प्रोजोपाइल से होता हुआ, एपोपाइल से होता हुआ, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोएनोसाइट्स आर अरेंज इन लाइनिंग ऑफ, कोएनोसाइट्स कैसे अरेंज होते हैं या कहाँ पे अरेंज होते हैं, किस लाइनिंग में अरेंज होते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक। एक्सकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर या ऑस्कुलम। फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इज ड्यू टू, जो कैनाल सिस्टम बनती है स्पंजेस में वो किस वजह से बनती है, किससे बनती है, पोरस वॉल्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स या फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आंसर है कोएनोसाइट्स आर अरेंज इन लाइनिंग ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, वाइल फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इज ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, ओके। नेक्स्ट है इन स्पंजेस डायमीटर ऑफ ओस्टिया इज रेगुलेटेड बाय, जो ओस्टिया होते हैं जो बाहर की तरफ छेद होते हैं बॉडी ऑफ स्पंज में, वो किस उनका डायमीटर किसके थ्रू रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है, कोएनोसाइट्स के थ्रू, पोरोसाइट्स या फिर पिनाकोसाइट्स या फिर मायोसाइट्स के थ्रू, ठीक है। आंसर्स बताएंगे आप लोग, खुद भी चेक करेंगे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपको। नेक्स्ट है कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोएनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, साइकन में, प्रोटो स्पंजिया में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो आंसर है इन स्पंजेस डायमीटर ऑफ ओस्टिया इज रेगुलेटेड बाय मायोसाइट्स, वाइल कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन साइकन एंड प्रोटेरो स्पंजिया बोथ। नेक्स्ट है स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर फॉर्म्ड बाय पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, थीजोसाइट्स। इनकरेंट कैनाल ऑफ स्पंजेस आर लाइन बाय पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट या नन ऑफ दीज, पहले भी कर चुके हैं हम इसे। आंसर है स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पंजेस बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल से, और इनकरेंट कैनाल जो स्पंजेस में पाई जाती हैं वो लाइंड होती हैं, उनमें परत होती है पिनाकोसाइट सेल की।
नेक्स्ट है फ्री लिविंग लार्वा ऑफ स्पंजेस इज नोन एज. लार्वा जो फ्री लिविंग कंडीशन में पाया जाता है स्पंजेस में वो क्या है, ठीक है, वेलिगर, बाइपिनेरिया, ट्रोकोफोर या पेरेन्काइम्यूला. नेक्स्ट ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन साइकन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला या ल्यूकोसोलिनिया. तो आंसर है फ्री लिविंग लार्वा स्पंजेस में जो पाया जाता है उसे कहते हैं पेरेन्काइम्यूला, और जो ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है इन सब में से सिर्फ स्पंजिला में. ओके नेक्स्ट है स्पंजिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन. स्पंजिन फाइबर्स कहाँ किस कहाँ पे किस क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्केरिया, डेस्मोस्पॉन्जी, हाइलोस्पॉन्जी या बोथ ए एंड बी. ओके स्पाइक्यूल्स आर फाउंड इन साइकन, यूस्पॉन्जिया, हर्डमानिया या बोथ ए एंड सी. ठीक है ए और सी में पाए जाते हैं या फिर किस में पाए जाते हैं. आंसर है स्पंजिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन डेस्मोस्पंजी. आपको ध्यान होगा हमने क्लासेस ऑफ स्पंजेस पढ़े थे, तो डेस्मोस्पंजी में ही स्पंजिन फाइबर्स पाए जाते हैं. स्पाइक्यूल्स जो है वो आपके साइकन और हर्डमानिया दोनों में पाए जाएंगे. अ मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. एक ऐसा मेटाजोआ जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, पैराजोआ, प्रोटोजोआ, यूमेटाजोआ या डर्मेटोजोआ. स्पंजेस वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल डिस्कवरी ऑफ. स्पंजेस जो हैं उनको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता था जब तक कि डिस्कवर नहीं हुआ था. क्या डिस्कवर नहीं हुआ था, स्पंजोसील, ऑस्क्यूलम, स्पाइक्यूल्स या सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी. तो आंसर है मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पैराजोआ. और स्पंजेस जब तक एनिमल किंगडम में नहीं आए थे तब तक प्लांट किंगडम में थे, और जब डिस्कवरी हुई सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी कैनाल सिस्टम की, तो स्पंजेस को एनिमल किंगडम में रख दिया गया. फूड स्टोरेज इन ल्यूकोसोलिनिया अकर बाय. जो ल्यूकोसोलिनिया है उनमें फूड स्टोरेज कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ओस्टिया, ऑस्क्यूलम, थीजोसाइट या स्पंजोसील. सिंपल आंसर है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पंजेस. इनमें से कौन सा स्पंजेस के लिए सही नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन या गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स. तो आंसर है फूड स्टोरेज ल्यूकोसोलिनिया में थीजोसाइट सेल में होता है, और इनमें से स्पंजेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नज़र नहीं आती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जेम्यूल्स भी बनते हैं और गैमीट्स फॉर्म होते हैं एपिडर्मल सेल से. ठीक है नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ ग्रुप कंसिडर्ड एज ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम. कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको ब्लाइंड एले की तरह माना जाता है एनिमल किंगडम में. ठीक है चिलोन, चैलिना, कैमिलियन, चिरोप्टेरा, बताना है आपको एनिमल किंगडम का ब्लाइंड एले क्या है. नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस वॉज ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन्ड बाय. जो रीजनरेशन है स्पंजेस में, दोबारा से जो उनका अंग एक बार टूट जाए तो दोबारा से नया डेवलप हो जाता है, इस फिनोमिना को किसने एक्सप्लेन किया था और किसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, एरिस्टोटल, एच डब्ल्यू विल्सन, जॉन एलिस या रॉबर्ट ग्रांट. तो आंसर है ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम है आपका चेलिना का ग्रुप, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और दूसरे हैं आपके जो रीजेनरेशन का फिनोमिना है स्पंजेस में वो ऑब्जर्व और एक्सप्लेन किया गया एच डब्ल्यू विल्सन के द्वारा. नेक्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल्स ऑफ स्पंजेस. स्पंजेस में ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं, थीजोसाइट, क्वेनोसाइट, आर्क्योसाइट या अमीबोसाइट. ठीक है नेक्स्ट इंटरनल स्केलेटन ऑफ ल्यूकोसोलिनिया फॉर्म्ड बाय ऑफ कैल्केरियस. ठीक जो इंटरनल स्केलेटन है ल्यूकोसोलिनिया का वो किस कैल्केरियस आपके स्पाइक्यूल से बनता है. ठीक है तो बताना है आपको मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल, मोनोएक्सोन या ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल, ट्राई रेडिएट एंड टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल या फिर मोनोएक्सोन, ट्राई रेडिएट एंड टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल, तीनों से. तो आंसर है ग्लाइकोजन स्टोरेज के लिए सेल्स होते हैं स्पंजेस के पास थीजोसाइट्स, और इंटरनल स्केलेटन ऑफ ल्यूकोसोलिनिया जो कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जिसमें होती है, वो मोनोएक्सोन, ट्राई रेडिएट और टेट्रा रेडिएट स्पाइक्यूल से बनता है. तो दैट इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक पोरी फेर.